पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी गुरुवार 14 मार्च को कोलकाता स्थित अपने घर में गिरने से गंभीर रूप से चोटिल हो गई। टीएमसी ने बताया कि उनके माथे पर गंभीर और गहरी चोटें आई हैं। इसके बाद भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें एसएसकेएम अस्पताल ले गए, जहां उन्हें कुछ टांके लगे। ममता बनर्जी की मीडिया कोऑर्डिनेटर के मुताबिक मुख्यमंत्री अपने घर में चलते हुए फिसल गई और शोपीस पर गिरने के चलते उन्हें चोट लग गई। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी ममता की चोट को लेकर डॉक्टरों से बात की। हालत स्थिर होने पर डॉक्टरों ने ममता को रात में ही डिस्चार्ज कर दिया। इस बीच अस्पताल के सामने समर्थकों और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। सीएम से अस्पताल में मिलने गवर्नर सीवी आनंद बोस पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से बात की। फॉर अ पर्सनल वेरिफिकेशन विद द डॉक्टर्स, दे अश्योर्ड मी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ऑनरेबल सीएम इज गेटिंग द बेस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। वहीं एसएसकेएम अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि सीएम के माथे पर गहरा घाव था, जिसके चलते चार टांके लगाने पड़े हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सीएम का परीक्षण किया है। प्रबंधन के मुताबिक सीएम ने घर जाने की इच्छा जताई, जिसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। चिकित्सकों की टीम उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। Three stitches has been applied on forehead and one on nose and required dressing was done. Investigations like ECG, echocardiogram, Doppler and CT scan etc. was done. Medical personnel have provided their opinion in this regards. आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी को इस साल जनवरी में सिर पर चोट लगी थी। दरअसल वो 24 जनवरी को सड़क मार्ग से बर्धमान से कोलकाता लौट रही थी। तेज बारिश हो रही थी और धुंध की वजह से अचानक कार के ब्रेक लगाने से ममता का सिर टकरा गया, जिससे उन्हें हल्की चोट आई थी। पिछले साल ममता बनर्जी को 27 जून को विदेश यात्रा के दौरान बाएं घुटने में चोट लग गई थी और इसी घुटने में उन्हें साल 2023 की शुरुआत में हेलीकॉप्टर से उतरते समय भी चोट लग गई थी। उनके घुटनों की जाँच एसएसकेएम अस्पताल में की गई। जांच में ममता के बाएं पैर के घुटने के लिंगामेंट में चोट का पता चला था, साथ ही उनके बाएं कूल्हे के जोड़ में भी चोट लग गई थी, लेकिन उन्होंने अपना इलाज घर पर ही करवाया था। इससे पहले 10 मार्च 2021 को ममता नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान घायल हो गई थी। ममता के पैर में चोट लग गई थी। इसके बाद उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में 3 दिनों तक एडमिट रहना पड़ा था। डॉक्टरों ने उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ाया था और इसके बावजूद ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर बैठकर विधानसभा चुनाव का प्रचार किया था।